अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसर महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव से। हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव क्या है, इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ये रिएक्ट जेएस से किस तरह मुख्तलिफ है और इसको यूज़ करने का हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और उसके के साथ हम एट द एंड बेसिकली पहले मैं आपको रिएक्ट नेटिव को सिंपल रिएक्ट नेटिव CLI जो प्योर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट होता है उसको सेटअप करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव को हम एक्सपो के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि हम रिएक्ट नेटिव की जो बॉयलर टेम्पलेट्स होते हैं उनको ज़रा थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि बॉयलर टेम्पलेट्स होते क्या हैं और हमें उन्हें क्यों यूज़ करना चाहिए। एट द एंड हम कोई एक आधा बॉयलर टेम्पलेट यूज़ करेंगे जो कि हम ऑनलाइन सर्च करेंगे कि कौन सा अच्छा है और उसमें से एक को यूज़ करेंगे। और फाइनली हम एक छोटी सी टू डू ऐप बनाएंगे जिससे कि आपको मैं बेसिक जो रिएक्ट नेटिव के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करवाऊंगा। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक रिएक्ट नेटिव में या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हल चाहते होंगे रिएक्ट नेटिव में तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा। तो ये चीजें हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर दूंगा जो चीज़ें हमने अभी अभी कही, ताकि बेसिकली हमें कंफर्म हो जाए जो जो चीज़ें हमने एट द एंड पे कंफर्म करनी है कि हमने उनको पूरा कर लिया। इंट्रो टू रिएक्ट नेटिव, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट नेटिव, कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली हमें रिएक्ट नेटिव को क्यों यूज करना चाहिए। और उसके बाद हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें हम सेटअप करेंगे रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। इसमें तीन फेजेस होंगे, सबसे पहले यूजिंग रिएक्ट नेटिव, बेसिकली जो रिएक्ट नेटिव का पैकेज है। उसके बाद यूजिंग एक्सपो, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और उसके बाद हम बेसिकली यूजिंग वन पॉपुलर बॉयलर प्लेट, ओके, ताकि हमें वो भी देख सकें। ऑब्वियसली उसके लिए पहले हमें इस पॉइंट को करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी बॉयलर प्लेट्स, व्हाट आर बॉयलर प्लेट्स, के बॉयलर प्लेट्स होती क्या हैं, व्हाई वी शुड यूज देम। और उसके बाद हम सर्च करेंगे और फाइनली एक यूजिंग बॉयलर प्लेट को यूज करते हुए हम एक प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। और उसके बाद हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होगा जो कि हम बॉयलर प्लेट में करेंगे, ताकि बेसिकली हमें उसमें जो चीजें वगैरह होंगी उनको हम यूज करके हमें कुछ ना कुछ फायदा उससे हो जाएगा। बॉयलर प्लेट्स में काफी ज्यादा चीजें सेटअप होंगी जो कि मैं आपको ऑब्वियसली बाद में डिटेल में बताऊंगा अभी जब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी ज्यादा चीजें हैं इसमें कवर करने के लिए, तो मैं इस चीज की पूरी कोशिश करूंगा कि हम इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर कर लें। बेसिकली पहली वीडियो में, पहले पार्ट में हम सिर्फ ये तीन चीजों को कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम इससे स्टार्ट करेंगे और इन दो पॉइंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि मुझे याद रहे और हम उसको फिर प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकें। तो ये वीडियो वन में हम करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम वीडियो टू में करेंगे, ताकि बेसिकली हमारे पास पार्ट वन पार्ट टू ये हमारा आसानी से मैनेज हो सके। और ये बेसिकली उसी के साथ फिर इस पे बात स्टार्ट हो जाएगी।
और ये बेसिकली हम यहाँ से लेके यहाँ तक इनको करेंगे, उसके बाद इस चीज को हम नए में स्टार्ट करेंगे, और लास्टली हम इसमें बेसिकली ऑब्वियसली ये एक में पूरा करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसमें बेसिकली हम थोड़े से पॉइंट्स बना लेंगे क्योंकि हमने इसमें क्रड बनाना है पूरा। तो हम इस तरह करेंगे कि क्रिएट और लिस्ट का जो पार्ट है वो एक वीडियो में कर लेंगे, और उसके बाद एडिट और डिलीट का पार्ट हम दूसरी वीडियो में कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ओके, तो ये हमारा टोटल जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह होगा ताकि आपके लिए फॉलो करना आसान हो और मैनेजमेंट भी इजीली हो सके। स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से। रिएक्ट नेटिव बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज करते हैं नेटिव एप्स बनाने के लिए, एंड्रॉयड और आईओएस। और इसी के साथ अब हमारे पास बेसिकली फीचर आ चुका है कि हम इस एक ही कोड बेस को यूज करते हुए वेब एप्स भी बना सकते हैं। ये तीन एप्स एक ही कोड बेस से बनाने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम रिएक्ट नेटिव है। हम यहाँ पे ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रिएक्ट नेटिव। जब आप इसे सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट होगी रिएक्ट नेटिव डॉट डेव। ये भी बेसिकली ये रिएक्ट जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है जो कि मेन जिसकी बेसिकली स्ट्रेंथ है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, और ये एट द एंड जब हम इसे बिल्ड करते हैं तो ये नेटिव एप्स हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर आपका एक्सपीरियंस पहले आयोनिक से रह चुका है, आपने अगर आयोनिक में काम किया आज तक, तो ये आयोनिक और इसमें फर्क ये है कि आयोनिक हाइब्रिड एप्स देता है। हाइब्रिड एप्स का मतलब होता है कि वो प्योर नेटिव एप्स नहीं होती, और उनमें मेन जो मसला आ रहा होता है वो बेसिकली परफॉर्मेंस का आ रहा होता है और फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लैग होता है। रिएक्ट नेटिव क्योंकि प्योर नेटिव एप्स आपको देती है, इसका जो सीक्वेंस चलता है वो इस तरह चलता है कि अगर मैं रिएक्ट नेटिव में बटन का कंपोनेंट, रिएक्ट नेटिव हमें अपने कंपोनेंट्स खुद प्रोवाइड करता है, जैसे कि आयोनिक में हम HTML वगैरह यूज करके ही एट द एंड बना सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक वेब रैपर में रैप होना होता है, वेब व्यू रैपर में रैप होना होता है, लेकिन रिएक्ट नेटिव में क्योंकि हमें एक एक्चुअल नेटिव ऐप देनी होती है तो इसका जो बटन का कंपोनेंट होगा वो एंड्रॉयड के बटन के कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा कंपाइल टाइम पे, और आईओएस के बटन के कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा कंपाइल टाइम पे। जब कंपाइल करेंगे तो हमारे पास आईओएस के फोल्डर में आईओएस के डाटा प्योर एक नेटिव ऐप, और एंड्रॉयड के फोल्डर में एंड्रॉयड की प्योर एक नेटिव ऐप बन जाएगी। उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस होती है और फीचर्स वगैरह होते हैं वो काफी बेहतर हो जाते हैं। इन्हीं का एक और कंपिटिटर है जो कि है फ्लटर, जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। ये भी हमें नेटिव एप्स देता है। अब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे और बेसिकली ये हमने देख लिया कि रिएक्ट नेटिव क्या है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव में डिफरेंस क्या है। बेसिकली रिएक्ट जेएस जो है वो एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है, मीन के इसका जो काम है, इसका काम है यूआई बनाना, और ये मेनली जो है वेबसाइट्स को टारगेट करती है। आप इस तरह की बहुत सी वेबसाइट देखेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्विजलिंग ओपन कर लेता हूँ तो ये हमने वेबसाइट है जो कि जायंस का ऑन प्रोडक्ट है, इसको हमने रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए बनाया, और हमने साथ में आयोनिक यूज की है उसके बेसिकली कुछ फीचर्स के लिए। और इसका मेन जो हमें बेनिफिट है कि ये एक वेब की ऐप है, लेकिन जब हम रिएक्ट नेटिव को यूज करते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो मोबाइल होता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है कि हम वेब की बेस पे उसको डेवलप नहीं कर सकते। हम चाहें तो वेब को फर्स्ट अपनी प्योरिटी रख के उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इस आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो रिएक्ट जेएस जो है वो वेब के साथ मेनली कंसर्न है, और रिएक्ट नेटिव जो है वो मोबाइल्स के साथ मेनली कंसर्न है। रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए आप प्योर नेटिव एप्स नहीं निकाल सकते। आपको अगर प्योर नेटिव एप्स चाहिए तो आपको रिएक्ट नेटिव ही यूज करना पड़ेगा। और इसी से हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिएक्ट नेटिव को क्यों यूज करें इवन जब हम एक वेब पेज प्रोजेक्ट बना रहे हो। होपफुली आपको अभी तक इसका आंसर मिल चुका होगा। इससे जो हमें बेनिफिट होगा कि हमने अगर वेबसाइट एक बनानी भी है, हम रिएक्ट नेटिव को यूज करते हुए उसको बना सकते हैं। ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी लर्निंग कर्व आएगी और थोड़ी सी ऑब्वियसली डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसका जो बेनिफिट होगा वो बहुत ज्यादा है। बेनिफिट ये होगा कि जब हमारी ऐप कंप्लीट हो जाएगी, हमने कोई भी अब स्टैंडर्ड जो ऐप होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है, और अगर हम उसको रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स के साथ बनाएंगे तो हम
उस रिस्पॉन्सिव ऐप को, जो कि एक वेब ऐप हमने वेब ऐप बनाई थी, उससे कोई किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट के बिना एक एंड्रॉयड और प्योर आईओएस नेटिव ऐप निकाल सकेंगे। तो ये बहुत ह्यूज बेनिफिट है कंपेयर टू कॉस्ट जो हमें बेसिकली इस पे काम करना पड़ेगा उसको कंपेयर करते हुए। तो इस वजह से मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि जब हम कोई इवन वेब बेस्ड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करें, हम रिएक्ट नेटिव में स्टार्ट करें, ना कि रिएक्ट जेएस में, ताकि हम एट द एंड जब उसको शिफ्ट करना चाहें मोबाइल ऐप में तो हमें बहुत कम एफर्ट के साथ एक मोबाइल ऐप भी मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स को सेटअप करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव CLI के साथ। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो रिएक्ट नेटिव सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें कि मैं आपको प्रॉपरली रिएक्ट नेटिव को सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.